तो जी दोस्तों, वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BSC रिवार्ड टोकन की, जिसको हम BRT टोकन भी कह सकते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसको कहते हैं DeFi बेस्ड, एक नया प्रोजेक्ट है जो कि अपने कस्टमर्स को फुली जो है उनके लॉयलिटी को जो है सपोर्ट करता है, उनकी लॉयलिटी का उनको रिवार्ड देता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि BSC रिवार्ड टोकन हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है और इसकी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूनिक हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि जो है BSC रिवार्ड टोकन, जिसमें आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं रिवार्ड की, इसमें जो है रिवार्ड जो है वही दिया जाएगा, कंट्रीब्यूट किया जाएगा अपने अपने यूज़र्स के दरमियान जो इनके कस्टमर्स होंगे। तो यहाँ पर आपको लेआउट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका होम है, इको सर्विस है, यहाँ पर रोड मैप देख सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं कि पूरे 2 घंटे 47 मिनट के बाद जो है ये अवेलेबल हो जाएगा पैन केक्स और के ऊपर। यहाँ पर आप इसको जो है एक्सचेंज भी कर सकते हैं। स्टेकिंग जो है इसकी भी लाइव है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लें कि इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसका जो टोकन है वो बाय कैसे करना है तो उसकी जो वीडियो है वो यहाँ से देख सकते हैं। इसका जो एयर ड्रॉप है वो भी अभी अवेलेबल है, आप उसको में भी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और BRT टोकन जो है अपने लिए अवेयर कर सकते हैं, जिनको बाद में आप पैनकेक्स जो इनकी है एक्सचेंज उस पर भी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ कि जो है ये BSC रिवार्ड टोकन ये एक बहुत बेहतरीन एक किस्म का प्रोजेक्ट है, ये बहुत सी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। मोस्टली हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो स्पेशली या तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स में या ऑर्गेनाइजेशंस के जो बड़े बड़े होते हैं उनको दिया जाता है, VIPs उनको दिया जाता है, या सिर्फ एम्प्लॉय वहाँ पर काम करने वालों को जो है उसका रिवार्ड या बोनस दिया जाता है। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशंस के जो कस्टमर होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, उनकी लॉयलिटी जो आपके पास आते हैं, वो आपके पास क्यों आते हैं, वो सिर्फ उनकी जो लॉयलिटी है, जो उनका आपसे लगाव है, जो उनकी आपसे मोहब्बत है, उसका जो सिला है BSC रिवार्ड टोकन उसी पर फोकस करता है कि वो टोटल इकोसिस्टम का जो 60% जो है ना रिवार्ड प्रॉफिट जो है वो जो सिर्फ और सिर्फ 60% वो डिवाइड कर देगा अपने कस्टमर्स के अंदर। तो मज़ीद बताता चलूँ कि ये हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। BSC रिवार्ड पे हमें स्टेकिंग मिल जाती है, जहाँ पर आप BRT टोकन को ही स्टेक करवा कर BRT टोकन भी अवेल करवा सकते हैं और दूसरी जो है क्रिप्टो करेंसी भी अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है इमेज मिल जाएगी जिसमें आपको बताया गया है कि जो BSC रिवार्ड टोकन है उसकी जो सप्लाई ओवर द ईयर्स क्या होगी, मतलब अभी जो 2021 में इसकी सप्लाई ये है तो 2046 में जो इसकी सप्लाई जो है ना वो कम होती जाएगी वक्त के साथ साथ। तो बात कर लीजिए कि इसकी मज़ीद सर्विसेज की, हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें के अंदर आती है इंस्टेंट एक्सचेंजर, कि हम इस पर एक क्रिप्टो जो है उसको दूसरी क्रिप्टो के अंदर फ़ौरन और 3 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर ही उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। और इसके अंदर जो है 100 से ज़्यादा क्रिप्टो जो अवेलेबल हैं और इसके अंदर फियाट, मतलब आप एक क्रिप्टो से फियाट करेंसी के अंदर भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो 0.5% से भी कम है। तो बात कर लीजिए सेकंड सर्विस की, अभी जो सर्विस है वो अभी इनके रोड मैप के मुताबिक जो है इंस्टेंट एक्सचेंजर वाली अवेलेबल है, उसके बाद कार्ड सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ को कार्ड की सर्विस भी मिल जाएगी, चीज़ें बाय करने के लिए, चीज़ें सेल करने के लिए, हर चीज़ जो है आपको इस कार्ड की सर्विस के जरिए भी मिल जाएगी, जिसको आप इस इकोसिस्टम जो है BSC रिवार्ड का उसके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद बात कर लीजिए ई कॉमर्स की, यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2017 में $16.5 बिलियन जो है वो अफ्रीका की ई कॉमर्स की टोटल वैल्यू है। तो बात कर लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये $29 बिलियन बन जाएगी 2022 में। तो बेसिकली जो है कहने का मतलब कि ट्रैफिक जो ई कॉमर्स की है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो BSC रिवार्ड अगर इस फील्ड में भी अपना जो हाथ जमा दे तो इसका मतलब है कि BSC रिवार्ड जो है वो अच्छी खासी कम्युनिटी अर्न करके अपनी ही कम्युनिटी के अंदर वो टोटल मुनाफे का 60% हिस्सा अपनी ही कम्युनिटी के यूज़र्स के अंदर डिवाइड कर देगी। और इनकी जो है लॉयलिटी है ना, जो इनकी जो ट्रस्टेबल जो है वो मैं बाद में बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको मज़ीद ट्रस्टवर्थी बनाती है। उसके बाद बात कर लीजिए मोबाइल गेमिंग के अंदर भी ये एक अहम किरदार अदा करते हैं, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने बताया हुआ है कि कितने फ़ीसद इंक्रीज़ हुआ है, $68.5 बिलियन जो इंक्रीज़ हुआ है 2019 में, तो अभी ये मज़ीद इंक्रीज़ होगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए BSC रिवार्ड जो है इस फील्ड में भी अपने टोकन जो अवेलेबल करेगा ताकि वो गेमर्स को सहूलियत दे सकें।
सो उसके बाद बात कर ली जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक कि अगले 2 सालों में जो इनके यूज़र्स हैं वो 2 मिलियन हो जाएंगे। उसके बाद बात कर ली जाए कि वाई इज़ बेस रिवार्ड टोकन यूनिक, ये यूनिक क्यों है, क्योंकि ये अपने, मैं पहले बता चुका हूँ, ये 60% जो है अपने यूज़र्स को, अपने कस्टमर्स को देता है। उसके बाद ये बैक एंड बर्न, बाय बैक एंड बर्न करता है कि मतलब इन्होंने एक साल के अंदर जो है 60% ऑफ इकोसिस्टम जो प्रॉफिट है उसको ये बाय बैक करेंगे, फिर उसको बर्न कर देंगे क्वार्टरली, एक साल के अंदर क्वार्टरली के तौर हिसाब से ये बर्न कर देंगे। उसके बाद ये है एक्सेप्टेड हेयर का मतलब ये है कि यहाँ पर आप इनकी सर्विस, इसी जो है इकोसिस्टम के अंदर बहुत सी सर्विसेज को बाई कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर ऑन BRT टोकन विच इज़ द मेन एसेट रिप्रेजेंटिंग ऑल बेस रिवार्ड इकोसिस्टम एक्टिविटीज़। के जो भी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर करेंगे, चाहे वो स्टेकिंग की है, बाइंग है सेलिंग है, या आपको जो रिवार्ड मिलता है वो भी आपको BRT की फॉर्म में ही मिलेगा। उसके बाद बात कर लीजिए लिमिटेड टोकन जो है वो, उसकी सिर्फ सप्लाई जो है 12 मिलियन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद वोटिंग राइट है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा जो है टोकन होल्डर जो होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी, सबसे ज़्यादा BRT टोकन होंगे, वो इसके जो डिसीजन मेकिंग में अपनी वोटिंग दे सकता है। उसके बाद बात कर लीजिए इनके एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन का लेआउट जो है इन्होंने अभी अपनी रोड मैप के मुताबिक अभी कुछ अरसे में ही अब ये अपनी एप्लीकेशन भी रिलीज़ कर देंगे। उसका जो वैलेट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल सकता है, तो आप यहां से फ़ोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इस एप्लीकेशन का लेआउट कैसा होगा। उसके बाद बात कर लीजिए टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये टोटली BSE बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बेस्ड है और इसकी जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर आपको नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लीजिए कि आपने बाय कैसे करना है, यहां पर आप राइट क्लिक करके बाय कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी टोटल सप्लाई जो 12 मिलियन है, जो उसका हार्ड कैप और है, जो उसका सॉफ्ट कैप है वो 200 हज़ार है, जो हार्ड कैप है 500 हज़ार है। यहां से आप जो है उनकी प्री सेल की जो है टोकन सेल जो है वो देख सकते हैं, प्री सेल के लिए आप देख सकते हैं 0.05 है मिनिमम प्राइस, यहाँ से यहाँ तक है प्री सेल फेज़ 1 की ये देख सकते हैं, फाइनल फेज़ की लिस्टिंग की देख सकते हैं, यहाँ से आप डिफरेंट जो है उनकी स्टडीज दे सकते हैं और जो आपको अच्छी लगे वहाँ से आप इनको बाय भी कर सकते हैं। रोड मैप की बात कर लीजिए तो ये अभी तक मैंने जो देखा है अभी तक यहाँ तक इनका रोड स्टेज 4 तक कम्प्लीट हो चुका है, जिन्होंने अपना जहाँ पर इन्होंने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट किया है। अब ये है पैनकेक जो है नेक्स्ट जो इनका जो है मूव, वो ये है कि अब पैनकेक पर स्वैप पर अपनी लिस्टिंग करेंगे। वो मैंने ऊपर बता दिया कि 2 घंटे जो है वो लगे, 2 दिन लगेंगे, वो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप इनको यहाँ पर से मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और ये इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यहाँ पर आप इनको फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर आपको मज़ीद चीज़ें मिल जाती हैं जिनमें आप रोबाउट देख सकते हैं, जो चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको इनकी सर्विसेज जो मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ से आप इनका वाइट पेपर देख सकते हैं, यहाँ पर आप इनको डिफरेंट, यहाँ से आपको इनके डिफरेंट जो है फुल जो है इनकी डिटेल मिल जाएगी। आप अगर इनको फेसबुक पर कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इनको, यहाँ से इनको जो है आप मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में जो है डिटेल इस वेबसाइट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दी है कि प्रोडक्ट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं अपनी राय बताता चलूँ कि अपनी राय के मुताबिक ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिवार्ड हमें ये रिटर्न देने वाला है। तो जी दोस्तों, ओके बाय।